नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। नमस्ते स्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदेय देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। हर कोई चाहता है वैभव और खुशहाली, इसलिए तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है और मनाते हैं दिवाली। दिवाली मनाने की कई पौराणिक कथाएं हैं, किंतु सब यही चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहे, सदैव खुश हो और अपने घर पर वो स्थायी बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को अनेक नामों से जानते हैं, जिनमें धन लक्ष्मी भी उन्हें कहते हैं, वर लक्ष्मी भी उन्हें कहते हैं और महालक्ष्मी के रूप में भी उन्हें पूजते हैं। ऐसे कई नामों से हम उन्हें पूजते हैं और जानते हैं। माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है। माँ लक्ष्मी तो धन की देवी है, इनकी पूजा आराधना करने से वैभव और संपदा धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसका ऐश्वर्य दुनिया देखती रह जाए। हर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपाय से पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या आपको पता है? माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद यह भगवान श्री विष्णु की सेवा में लग गई। केवल मनुष्य नहीं, देवी देवताओं को भी महालक्ष्मी से वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, वो माँ लक्ष्मी उसके घर वास करें, सदा स्थायी बनी रहे, ऐसी तो सभी की इच्छा होती है। ये वीडियो एक कहानी को लेकर है, जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी उनकी प्रसन्नता और उनके स्थायी निवास करने हेतु किसी के घर में वो कैसे बनी रह सकती है, इसका रहस्य बताती है। एक होनहार होशियार और ईमानदार लड़की थी। वो अपने माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ बीमार और अपाहिज भी थी। लड़की निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करती, सेवा करती और हर परिस्थिति में खुश रहती थी। पढ़ी लिखी होने के कारण उसे एक ऑफिस में नौकरी मिल गई। उसके कमाई से घर चलता था। वो घर का और ऑफिस का काम बहुत ईमानदारी से करती और रोज शुद्ध मन से भगवान की पूजा करती थी। उनका नाम मनोभाव से लेती थी। घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आकर अपनी माँ की सेवा करना, उन्हें रोज बाहर टहलाने ले जाना, उन्हें समय पर डॉक्टर को दिखाना, यही उसका दैनिक कार्य था। उसकी माँ के इलाज में बहुत पैसे उसके खर्च होते थे, लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं करी, फिर भी उसने कभी बेईमानी भी नहीं की। इसी तरह उसका गुजारा होता था और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वो ऑफिस से घर आ रही थी, तब उसने रास्ते में देखा कि एक औरत आगे आगे जा रही थी और अचानक उसका पर्स नीचे गिर गया। वो लड़की दौड़ती दौड़ती आगे गई, उस औरत से कहा कि मैडम, आपका पर्स नीचे गिर गया है। तब उस औरत ने कहा कि इसे तुम रख लो, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम बहुत ईमानदार हो और नेक दिल लड़की हो, इसलिए इस पर्स की असली हकदार तुम हो। लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, जबकि ये पर्स तो मेरा है ही नहीं और आपको जानती भी नहीं हूँ। तब उस औरत ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि इस पर्स में क्या है? तो लड़की ने कहा कि नहीं, मैंने केवल इसे गिरते हुए देखा और आपको बताया। उस महिला ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, अब तो देखो उसमें क्या है। तो लड़की ने फिर मना करा कि मेरा पर्स नहीं है, मैं नहीं देखूंगी, आपका पर्स है, आप देखिए। तब उस महिला ने उसमें कुछ गहने और पैसे उसमें जो थे वो निकाले और खाली पर्स उस लड़की को देते हुए कहा कि अब तो इसे मेरा उपहार समझो और माँ को दे देना, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, और कहना कि जल्दी ही ठीक हो जाओगी। माँ का नाम लिया तो उसने वो पर्स रख लिया। महिला ने कहा कि बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम कैसे निस्वार्थ भाव से माँ की मदद करती हो, मनोभाव से भगवान का नाम लेती हो, उनकी पूजा करती हो, ऑफिस में भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हो, इसलिए तुम्हें ये पर्स दे रही हो, तुम माँ को दे देना, इसे रख लो। और हाँ, जब भी माँ की तबीयत के लिए धन चाहिए हो तो मेरा नाम लक्ष्मी है, मुझे याद करना और इस पर्स में हाथ डालना, तो उतने पैसे तुम्हें मिल जाए। लड़की ने उस पर्स को लाकर माँ को दे दिया, सारी बातें बताई। माँ ने कहा कि कल डॉक्टर के यहाँ जाना है तो कल देखेंगे। दूसरे दिन उस पर्स में हाथ डाला और लक्ष्मी जी को याद किया तो उसमें उतने ही पैसे निकले जितने डॉक्टर के यहाँ देने थे। माँ और बेटी हैरान थी और सोचने लगी कि आखिर वो कौन होगी, कहीं माता लक्ष्मी स्वयं तो नहीं थी। तब माँ ने बेटी से कहा, उस महिला ने और क्या कहा था? तो लड़की ने कहा कि उस महिला ने यह भी कहा था कि ये बात हमेशा याद रखना कि जीवन में कभी भी किसी के साथ बेईमानी मत करना, कर्म अच्छे करना, बुरे से बुरी परिस्थिति में भी हार मत मानना, अपनों से बड़ों का हमेशा आदर करना, निस्वार्थ भाव से काम करना और भगवान का नाम हमेशा लेते रहना, गलत काम कभी मत
मत करना। अगर तुम अच्छे काम करोगे, माता पिता की सेवा करोगे और भगवान का नाम लोगे तो आजीवन खुश रहोगे, तरक्की करोगे, वैभवशाली जीवन व्यतीत करोगे। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई थी। तब उस लड़की की माँ ने कहा कि अरे वो साक्षात माँ लक्ष्मी थी, चलो हम उन्हें प्रणाम करें। दोनों ने मनोमन प्रणाम किया और दोनों ने ये निर्णय किया कि उस पर्स को रख देंगे और जब वो मिलेंगी तो वापस करेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही बहुत है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जिसे मिल गया तो शेष रहा ही क्या, वो तो माँ है। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, साक्षात माँ लक्ष्मी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, उनकी बातों को कभी मत भूलना, जिंदगी में हमेशा उनके कहे अनुसार चलना। उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि हाँ माँ ऐसा ही करूंगी। धीरे धीरे उसका प्रमोशन हुआ और माँ की तबीयत भी ठीक होने लगी। बाद में उसे उसके बॉस ने कंपनी में बहुत बड़ी जगह दी और जवाबदारी की पोस्ट दी। फिर उसने अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाया और भगवान का नाम लेते हुए ईमानदारी से अपनी माँ के साथ खुशी से अपना जीवन बिताया। इसलिए कहा जाता है कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता, आप पैसे से नहीं अपने कर्मों से अमीर गरीब बनते हो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, भगवान भी आपकी मदद करता है। सच्चा साथी भगवान होता है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, भगवान पर विश्वास बनाए रखना। उन्होंने आपको मुश्किल दी है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी वही दिखाएंगे, लेकिन आपको जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है, अच्छे कर्म करते रहना है। आप सभी पर माँ की कृपा हो और आपका जीवन धन वैभव से संपन्न हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली, हैप्पी लाइफ। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।